नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और ट्रक ज्ञान पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाटा मोटर्स ने यहां पर अल्ट्रा कैबिन के साथ T.19 गाड़ी निकाली है। नॉर्मली गाड़ी 700 किलोमीटर चलती है, पर ये गाड़ी 1000 किलोमीटर यहां पर चलने वाली है। उसमें यहां पर कैसे चल पाएगी, अगर गाड़ी का यहां पर इंजन बढ़िया होगा, अगर आउटपुट ज़्यादा बढ़िया होगी तो आपको यहां पर ज़्यादा चला पाएंगे। और इंजन की जो कूलिंग है वो भी यहां पर ठीक ढंग से होनी चाहिए, वो चीज़ आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस गाड़ी में जो इंजन दिया है टर्बोटोन 2.0 का इंजन दिया हुआ है। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़िया है, इसका पीक फायरिंग प्रेशर 200 बार से भी यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। बात करें यहाँ पर फ्यूल बार इंजेक्शन की, वो 2000 बार की दी हुई है। इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि यहाँ पर सेंट्री लोकेटेड इंजेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। हर एक सिलेंडर में 4 वाल्व दिए हुए हैं। जितना ज़्यादा अच्छा छिड़काव होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर गाड़ी जो आउटपुट है वो यहाँ पर देगी। इलेक्ट्रिकली थर्मोस्टैट फीचर यहाँ पर दी हुई है, कंट्रोल करता है ऑयल टेम्परेचर को, गाड़ी को यहाँ पर कूल डाउन कर देता है। छोटा टर्बो चार्जर दिया हुआ है एरोडायनामिक ब्लेड्स के साथ और इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक स्ट्रेटजीज फॉर फॉल्ट कोड मैनेजमेंट। गाड़ी इतनी ज़्यादा सक्षम हो जाती है, आप अगर आप गाड़ी का यहाँ पर कोई फॉल्ट आया तो गाड़ी में आप मैनुअली यहाँ पर फॉल्ट कोड यहाँ पर पता लगा सकते हैं और अपने नज़दीकी डीलरशिप से वो सॉल्व आउट करवा सकते हैं। अभी हम जो गाड़ी के ड्राइवर हैं वो भी यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, वो इस गाड़ी में बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं अली भाई, टाटा टर्बोट्रॉन 2.0 गाड़ी जो चला रहे हैं। स्वागत है अली भाई आपका हमारे चैनल पर। सर, मेरे को ये बात का बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है कि गाड़ी 1000 किलोमीटर एक दिन में आप चला रहे हो तो गाड़ी ये गर्म नहीं होती क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी गर्म नहीं होती, जो टेम्परेचर है बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि इस गाड़ी में थर्मोस्टेट लगा हुआ कि जो कि इंजन ऑयल को गर्म नहीं होने देता, कंट्रोल करके रखता है। इसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं दिखाती है, जो भी नॉर्मल है वही दिखाती है। अगर मैं बात करूं यहां पर इंजन की, इस गाड़ी में ज़्यादा माइलेज क्लेम करने का दावा हो रहा है, तो इस गाड़ी में 4 सिलेंडर का है और 4 वाल्व भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो 4 वाल्व का क्या महत्ता यहाँ पर इस इंजन में आ जाता है? सर, उस 4 सिलेंडर को बीचों बीच में इंजेक्टर लगे हुए हैं जहाँ से तेल ज़्यादा बर्न होता है, और क्योंकि उससे पोल्यूशन भी नहीं होता और गाड़ी तेज दौड़ती है सर, तो इसकी वजह से बहुत ताकतवर इंजन है। दोस्तों, एक कमाल का फीचर जो मेरे को इस गाड़ी में यहाँ पर पता लगा है, इंजन के साथ साथ इस गाड़ी में ना फॉल्ट कोड मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है, जितने भी यहाँ पर ड्राइवर है आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब व्हीकल बिगड़ता है ना तो उसका डाउन टाइम मिनिमम हो जाता है। और इस फीचर के कारण व्हीकल में क्या खराबी है उसका और क्या समाधान आसानी से यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। ठीक है अली भाई, सही है, धन्यवाद आपको मिलकर अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। गाड़ी में सबसे ज़्यादा जो मेरे को ज़्यादा बढ़िया बात लगी है कि 700 किलोमीटर तो डेली गाड़ी यहाँ पर नॉर्मली ये लोग चलाते हैं, पर ये गाड़ी यहाँ पर 1000 किलोमीटर चलने के बावजूद भी गर्म नहीं होती, फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की यहाँ पर कम नहीं होती, इंजन ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर हो जाता है। इस गाड़ी में ये वाकई चीज़ ये साबित हुई है कि एक दिन में 1000 किलोमीटर ये गाड़ी का इंजन चलता है। इतना दमदार इंजन है, शानदार इंजन है, 2.0 टर्बोट्रॉन। गाड़ी के और जानकारी के लिए मैं आपको कुछ और वीडियोज़ भी इस गाड़ी में यहाँ पर डालने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।